सात दिन पर्थ में पिछले सैटरडे को आया था, तो आज सात दिन हो गए हैं। तो मेरे पीछे आज हम मार्केट में जा रहे हैं, फर्मेंटल मार्केट में, तो वहाँ पे मैं जाके थोड़ा आपको दिखाता हूँ। तो जो टेम्परेचर है आज का यहाँ पे, जो वेदर है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे 41 टेम्परेचर है, जो कई साल पहले तक मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था, पर आज हाँ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पीछे वेदर बिल्कुल क्लियर है, और अभी आगे की तरफ जाते हैं। तो मेन ये होगा कि आज का अपना राइड करेंगे हम ट्रेन राइड करने के बाद हम सीधा जाएंगे फर्मेंटल मार्केट। और जो चपेड़ें पड़ रही हैं ना यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त पड़ रही हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पे, यहाँ से अभी करके ट्रेन का स्टेशन हम ढूंढेंगे आगे जाके। तो ऐसे तो आपको काफ़ी सही लग रहा होगा यहाँ पे, पर जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन है, धूप काफ़ी तेज़ है। डेढ़ बजे हैं और तकरीबन बिल्कुल बहुत ज़्यादा लग रहा है अपना। आगे दिखाता हूँ आपको, पीछे बनाया हुआ है। ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे जाके टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद अपना सीधा हम जाएंगे आगे। और चाइनीज़ न्यू ईयर भी है यहाँ पे, तो आज पूरा दिखाता हूँ। बाकी पॉपुलेशन जो पर्थ में है वो काफ़ी कम है, और ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल नहीं दिखती है, दिखती तो नहीं है। हमें आगे निकलना पड़ेगा और हमें नहीं ऑप्शन पता कोई, बट एनीवेज बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा होटल है वो अपना जहाँ पे हम ऑफिस है उसके पास में है, और हर जगह हमको चल के जाना पड़ता है। तो अभी जो स्टेशन है ना यहाँ पे अपना मेट्रो का, वो भी थोड़ा दूर ही है, तो इसलिए चल के ही वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने भी नहीं, मतलब इतना समर, मेरे ख्याल इनकी ये समर ही है, समर में इतने ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा पता नहीं था मेरे को। बिल्कुल ऐसे फटती है अपना धूप लग के मुँह पर। और आपको दिखाता हूँ ये है, और यहाँ से हम आगे जाएंगे, उस तरफ जाके हम अपना ट्रेन को देखेंगे, ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे वहाँ पे। पहले एक बार जाके तो आए हम ट्रेन स्टेशन पे, पर तब हमने ट्रेन नहीं ली थी, तब हमने सिर्फ देखा था ट्रेन स्टेशन और वापस आ गए थे। और यहाँ पर एक चीज़ है, बनाऊँगा एक दिन रात को भी मैं वैसे यहाँ पे ब्लॉग। पर्थ एक ऐसा सिटी है जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा अपना क्या देखने को मिला, जो बार्स और क्लब्स और सब कुछ यहाँ पे 5 बजे पूरा बंद हो जाता है। बनाई हुई है मेरे पीछे, आपको दिख रहा है। तो और यहाँ से आगे जाना पड़ता है, और साथ में ये पार्किंग भी बनी हुई है। तो अभी तो दोपहर का टाइम है और काफ़ी गर्मी है, इतने ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, पर जैसे जैसे शाम होगी ना वीकेंड में, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल अपना लाइक बार्स और पब्स हैं, और एक दो कन्वीनियंस स्टोर हैं, और उसके अलावा अपना पूरी मार्केट है यहाँ पे। तो ये एक किस्म का यहाँ का जो सेंट्रल होता है CBD, वो CBD एरिया के हिसाब से है ये यहाँ से। तो ये आपको दिखाता हूँ ट्रेन स्टेशन, तो वो भी आप यहाँ को आगे जाकर बताते हैं। ओके, सीधा अपना ट्रेन स्टेशन में, वहाँ से फिर मैं स्टेशन देखता हूँ कौन सा लेना है। एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम टिकट लेंगे और फर्मेंटल स्टेशन पे हम जाएंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये हम टिकट लेने लगे हैं, और पहला क्या करना है, ट्रेन स्टैंडर्ड if I select the zone 1 you have to do 10 if you go past that time you buy another ticket if you buy a family ticket it will cover 2 people it's $10.30 and you've got till 11:59 so you can take your time in Fremantle so you don't have to rush for one person to get the same ticket day rider same price and you have through to the same time. Okay, so that's all you have to do. Get one family rider, one day rider, that covers the whole day, buses, trains,
That way you don't have to rush. If you don't want to do it that way, 2 to 4 zone, 2 hours, three tickets, it's going to cost you $15.30. If you're going to come back and you're after that time, then you're going to pay another $15.30. Oh, okay. So better would be the... The better one, my suggestion, standard. Do one family and one day rider. So that way you can have family rider as used to, and you can have the day rider, or you can be the family rider, you can be the day rider. All right. Okay, sure. Makes it easier. Zone. 2-4. But how did I select? No. तो ये अभी कार्ड भी मिल गया यहाँ से और टिकट भी मिल गई है, तो तकरीबन 4-3 बंदों का हमने ले लिया $20 की टिकट, जो अपने 12 बजे तक अपना सही है, तब तक हम यहाँ से जा सक वहाँ से वापस आ, अभी हम जाके देखेंगे यहाँ से। अभी सिस्टम अलग है यहाँ पे, स्कैन स्कून नो राइड हियर, स्कैन स्कून नहीं किया वो रिसीट के साथ, वो सीधा यहाँ पर बंदा खड़ा रहता है, हमें अंदर जाने दिया। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, तो वहाँ पे जाके हम अपना और आवाज भी सर्विस डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स, दिस सर्विस स्टॉप्स ऑल स्टेशंस टू मैन पर है, बहुत बड़ा अंदर से, और अभी भी 2-3 मिनट हमें लग रहे हैं चलने में आगे जाके। 10 मिनट में हम जो ट्रेन है वो यहाँ पे आ जाएगी फ्रीमेंटल पार्क में जाने के लिए, तो यहाँ पे अभी वेट करते हैं थोड़ा, तो आगे पीछे दिखाता हूँ आपको मैं। ट्रेन अभी आ रही है हमारी, तो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, इस ट्रेन में अभी हम बैठ के जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको दिखाता हूँ पूरा, बाहर निकल के जाएंगे और मार्केट वगैरह देखते हैं यहाँ पे जो और मार्केट है। और जैसे ट्रेन से यहाँ पे ये पता लग रहा था कि ये जो जगह है यहाँ पे जहाँ पे कार्गो शिप वगैरह आते हैं उसके हिसाब से है ये जगह। फीलिंग तो यहाँ पे एक मतलब गांव की तरह आ रही है, पर अभी थोड़ा बाहर निकले और देखता हूँ, बाकी पार्क भी है, बाकी आगे मार्केट में भी जाके देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं कोई और जगह यहाँ पे दिखे। हमारे दोस्त ने बोला था यहाँ पर आके तुम देख सकते हो, और पास में एक स्टेशन जो ट्रेन का पहले था वहाँ पे अपना वो भी है, बीच भी है, बीच पे बंदा जा सकता है, पर अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, शाम को बंदा बीच में लोग आराम से जाते हैं। और ये देखो कितना अच्छा लगाया हुआ है, एक सांप के साथ इसका पूरा पता नहीं कौन सा जानवर है ये, और ये है फ्रीमेंटल पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे टूरिस्ट के हिसाब से इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी नहीं हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो गर्मी वगैरह भी काफ़ी है इसकी वजह से। अभी तक तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है,
पर्थ की तरह ही लग रहा है, कोई अलग से दुकानें वगैरह तो नहीं लग रही हैं। ये है थोड़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसे टूरिस्ट के लिए दुकानें वगैरह होती हैं वो हैं। और ये देखिए तो बिल्कुल तकरीबन यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं इसके हिसाब से। अभी हम चेक कर रहे हैं कहाँ पे खाएं। तो अभी हम आगे जाते जा रहे हैं, पीछे किस दुकानों पे काफ़ी रश है, इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें। और पीछे मेरे काफ़ी आदमी लगे हुए थे इतना लाइन में, पता नहीं क्या चीज़ है वहाँ पे। और इस तरफ से ये देखिए